हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएससी। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वैसे कैंडिडेट के लिए जो मगध यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन नन अफिलेटेड कॉलेज होने के कारण उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार और कोर्ट ने, है ना, हाई कोर्ट ने, दोनों ने यहाँ पर रिजल्ट देने के लिए मगध यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी है। आपका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, तो बात करेंगे यहाँ पर रिजल्ट आने की अवधि क्या होगी, इसका समय कितना लग सकता है, तो इन सारे बातों को हम लोग जानेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग को जब यहाँ पर एग्ज़ाम देने की बात की गई थी, तो यहाँ पर हम लोग का एडमिट कार्ड इशू करने से मगध यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमको हाई कोर्ट का आदेश है कि हम आपका एग्ज़ाम नहीं ले सकते। लेकिन बड़े ही प्रोटेस्ट और आंदोलन होने के बाद यहाँ पर आपका एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन रिजल्ट में आपका यहाँ पर रोक लगा दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आज का दैनिक जागरण का पेपर का कट आउट है। अगर आप नहीं देखें तो पूरा इसको जरूर देखिए, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, हाई कोर्ट के फैसले से मगध विश्वविद्यालय के 74,000 छात्रों को मिली राहत। तो यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के राहत मिलने की बात की गई। देखिए, बगैर संबद्धता वाले कॉलेजों में दाखिला पाए स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों को मिलेगी डिग्री। तो यहाँ पर आपको डिग्री इशू कर दिया जाएगा, आप जो है यहाँ पर ग्रेजुएट होने का रिजल्ट आपके पास आपके हाथ में सौंप दिया जाएगा। देखिए पूरा जो खबर लिखा, देखिए, पटना हाई कोर्ट के शुक्रवार को आए फैसले से मगध विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 15-18 के 74 छात्र, देखें 74,000 छात्रों की बड़ी राहत मिली है। देखिए यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, 74,000 छात्रों को यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा राहत मिली है। स्नातक की डिग्री मिलने से रास्ता साफ हो गया। देखिए आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिग्री जो है मिलने वाला है। 88,000 ने यहाँ पर नामांकन लिया था, जिसमें से आपका पार्ट वन और पार्ट टू की परीक्षा के बाद उपयुक्त कॉलेज में विद्यार्थी को पिछले साल तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया गया था। और बाद में क्या गया था, जांच में जो है 17 कॉलेज को और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन लास्ट में मिला है यहाँ पर एग्ज़ाम होने के बाद। फिर यहाँ पर 14,000 जो है यहाँ पर स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन 74,000 स्टूडेंट का रिजल्ट रोक दिया गया था। तो उसी के लिए अपडेट था ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए जिन लोगों ने भी रिजल्ट दिलाने में हमारी मदद की है, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो आकाश भाई हो या फिर दीपक जी जो कि यहाँ पर सीनेट के सदस्य बने थे, और उन सभी वकीलों और दोस्तों से जो प्रोटेस्ट में आकर के पूरे रिजल्ट के लिए बिना स्वार्थ के यहाँ पर लड़े थे, तो उन सभी का धन्यवाद। तो आपका रिजल्ट जो है कब आएगा ये हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है क्या लिखा है, यहाँ पर उनको जो है देख सकते हैं शिक्षा विभाग को या मगध यूनिवर्सिटी का जो है उसको यहाँ पर कोई भी आदेश का अपडेट नहीं मिला है। जैसे ही कोर्ट का आदेश का यहाँ पर नोटिस प्राप्त हो जाएगा कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, आपका रिजल्ट जारी कर देगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को जरूर शेयर कर दें।